कोडिया गांव के ग्रामीण बैठे कचहरी परिसर के बाहर धरने पर, प्रशासन से लगा रहे न्याय की गुहार। न्याय को लेकर बैठे धरने पर अपने रिश्तेदार की मौत के मामले में उचित कार्रवाई की मांग। डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के छोटी खाटू कस्बे के पावा ग्राम पंचायत के कोडिया गांव का एक मामला सामने आया है, जिसमें कोडिया ग्राम के रहने वाले ओम प्रकाश पुत्र बिरमाराम का शव 12 जून को जाखेड़ा के देगाना में पानी के होद में मिला, जिसमें घर वालों ने हत्या की आशंका जताई। इसको लेकर एक मामला देगाना थाने में दर्ज कराया गया, लेकिन आज 2 महीने बीत जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर नाराज परिजनों व समाज के लोगों ने डीडवाना के कचहरी परिसर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है और उनकी मांग है कि जो भी इसमें अपराधी है उनको पकड़ा जाए और परिजनों और मृतक के साथ में इंसाफ किया जाए। इसको लेकर आज परिजन समाज के लोगों को, ग्रामीणों को साथ में लेकर डीडवाना के कचहरी परिसर के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और अपराधियों को गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या हमारे भाई की मृत्यु हो गई? 12 जून को वो मर्डर हो गया है। एक घंटे थाने में वो कार्रवाई चल रही है, वो कार्रवाई कुछ कर नहीं रहा है। जाकड़ गाँव में हुई है, कोई कार्रवाई नहीं होती। 2 महीना हो रहा है, 2 महीना हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। ये कोडिया गांव का मेघ वालों का मामला है, जो हत्या का मामला है, और इसमें काफी दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई कैसे खुलासा हो जाए, जो भी जांच हो वो सही जांच हो जाए। हमारे इसी चीज का इंतजार है। तो पुलिस के काफी दिनों से हम इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं, एसपी के पास भी गए थे, लेकिन हमारी कोई पूरी तरह सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ गए हैं। जब तक हमारी को न्याय नहीं मिलेगा हमारे को, तब तक ये धरना चालू रहेगा, और अगर आज हमारी सुनवाई नहीं होती है तो कल बड़ी संख्या में पब्लिक आएगी, और नहीं सुनते हैं तो परसों चक्का जाम करेंगे। हमारा छकी है साहब, जाकड़ गांव के मायने मर्डर ही हुआ साहब। क्या आपकी मांगे हैं सरकार से? सरकार से मान न्याय मिलनी चाहिए। मामला कौन से थाने के अंतर्गत का? देगाना थाने का है।